भैया इतना गीत का लाइन रहल राजा ठारे पर बैठ के भोजन कर दू चार कवर भोजन कैल तब हिनका भैया भोजन करत चार कोर भोजन राजा भोज जब कैलन तब तलक भैर का एक चिवटा कुछ दूर से चल के आवत हुआ वही राजा भोज के थाली के बगल पहुंच गेलन बाबू और तब तलक चिवटिया चिवटवा से का कहत मास्टर साहब चिट्ठी कहे चीता से चिटिया चिटवा का तो केस यहाँ राजा भोजन करत है इतना दूर से हम दोनों जिन्हें चल के आवत है बड़ा भूख लगा बा और राजा भोजन करत है जाय के चावल ले आवा तो हम भोजन कैला हम हूं कैले इतनी बतिया सुन के चिटवा कहलत का ए भैया चिटवा तब तलक काया ते कहा थे राजा के थाली में कूद के जाए के चावल ले आ बिना कहा थे हम कैसे के जाई हमारी जो तन बा अशुद्ध बा और जाए के चावल अगर तो का खाए के बा तो राजा भोजन करत है तहीं जाए के ले आओ घर चिटिया कहे सैया जब तू न जावत हम काहे जाए ले आई जब तू अशुद्ध है त हम कहां शुद्ध है तब तलक चिटवा कहे ना रे पगली तई शुद्ध है हम अशुद्ध है कहे कैसे चिटवा आखिर चिटिया से कहा था कि देख हम पूर्व जन्म की बात बतावा था पूर्व जन्म में हम जात के चमार रहे चिटिया कहे सैया तब हम कौन जात रहे कहे ते पूर्व जन्म में पंडिताई रहे या सत्य शुद्ध है हम अशुद्ध है इतनी बतिया सुन के ए भैया चुटिया तब जाए के राजा के थाली में कूद पड़ी आ जब कूद पड़ी एक चाऊ लेके निकला उही में लुढ़ुक जात बा चिउटी तिरे चाऊर दो तीन दाई लुढ़ुक जात उही में राजा कुल देखत है कुल ओकर बात समझत है सुनत है तब तक राजा कहलन का कि अरे We'll be right back.
राजा भोज बनी ते से हंस देलन। जब हंस देलन बगलिया में रानी बैठ के बनिया डोलावत हैं। जब राजा हंस देन तब तलक रानी कुल लगली ना अपन बनावे बिगाड़े। सोचत हैं खाना कुछ कमी हुई है का, नमक तो तेज नहीं ना। कुल अपन रानी सोचे लगी का ऐसा बात बा जो राजा हंस दे हैं। तब तलक रानी आखिर राजा से पूछ बैठी, अच्छा ही बतावा सिया तू काहे हंसा है, का बात है। राजा कहे रे भाई हंस दिया, मान मन कहे ससई के हंस दिया। रानी कहे नहीं बतावा तू काहे हंसा है, का बात है। कहे रे भाई हंस दिया, मार मन कहे ससई के हंस दिया। रानी कहे नहीं तू बतावा तू काहे हंसा। राजा कहे कहो ही तो गड़बड़ कर तो छोड़त नहीं ने। कहे जाट कहे पूछत माँ दिल दिमाग के हसई मन कहे सस दिया। कहे नहीं बतावे तू कहे हसा है। कहे देख जिद करत है अगर हम बताए तो जो हमारी शरीर में पाथर हो जाए। रानी कहे तू छ बतावा देखिए कैसे तू पाथर होत है बतावा तक। कहे अरे पगली हम बताए तो तब पाथर हो जा। रानी गुस्सा में आए कहे चाहे पाथर हो जा चाहे ईटा, अब बतावा तू काहे हंसा है। ए भैया अब रानी जिद्दे पड़ गई, कहे बतावा तू काहे हंसा है। अब राजा कहे रे इत गड़बड़ होता, कहा अब एका बताओ ने तब जिद्दिया कुछ गड़बड़ी हुई जाए। राजा बने मन में सोचे लगन बाबू कि अगर हिया एका हम बताई देवे पूछता तो पाथर हो जा तो कोनो मतलब ना बा, क्यों हमें पूछे न। ऐसे बढ़िया चल के का काशी नगरी में गंगा किनारे एका हम बताई दे तो पाथर हो जा हुआ तो साधु संत जितना ही एक लोटा हमें पाथर समझ के जलते दे ही। यही सोच करके राजा रानी से कलन किरानी तू जाने चाहत हो, चला घोड़े पे बैठा करके राजा काशी नगरी की ओर लेके चल देते हैं बाबू। अब भैर का लहक अंदर कहना पड़ा, नगरी की ओर चल देलन। आज जब काशी नगरी की ओर चल देलन बाबू धीरे धीरे जंगल में पहुंचलन। आ जंगल में जब पहुंचलन तो एक कुआं दिखाई पड़ता है। वही कुआं पे राजा सोचे लगलन कि कुछ क्षण के लिए यहाँ विश्राम कर ले। आया भैया राजा रानी वही कुआं पे विश्राम करत हूं बाबू।
तो वही जगह रानी कलन की सैया बताई दे काहे हसा कहां चला अब वही कासिम तो है बताओ हम काहे विदा हसे है तब तलके गड़िया भेड़ बकरी बाबू वही चरावा था अलग्गा लेके कुछ दोही पे बैठल हा एक बकरी एक बकरा वही चरत चरत वही कुना के पास पहुंच गईलन तब तलक रानी करन की बतावा सैया तू काहे हसा है काहे बताई दे त पाथर होई जाब जिद करे हो चला चला थे कासिम वही बताऊ तब तलक बकरिया कहत काबा मास्टर साहेब बकरा वही कुना पे चरत हुएन तरकलक बकरिया कलस के सैया हो कुना बड़ा सुघर घास लटकत बा बड़ी बड़ी घास बा जाय के ले आवा आ तो हो कुछ खायला कुछ महू खाई ले अगर न लिए बत जल पेटवा में लड़के बा भुलार छिवाए बकरवा का एक तोर दिमाग खराब बा वह कुनाम जाब भसिया लिया हमन गिर जाब ते मरब के जिया बकरिया काई सैया जा लिया वत घास विदा हमार मन मानत नहीं ने आ जल्दी से लिया वा काहे तोर दिमाग खराब हो दांत के बकरा कहलस क्यों कुआं में जाब हम घास लिया वे उमन गिर जाब मरब के जिया क्रोध में बकरिया का ये सैया चाहे मर जे चाहे जिया और चाहे के घास ले आवा क्रोध में बकरा अंगार हो गया बाबू और जब बकरा अंगार हो गया गुस्सा में आकर बकरी के तीन सटकनिया दे दस कह तेरी ऐसी तैसी में कहर काबा मास्टर साहब खड़ी लाइन में कहना पड़ा जब तीन सरकनिया देला से पंचो आखिर कलस करे तो है चाहे खास हम तोरी जग से नाता अब और महर मजबूत कर जान Yeah.
हम कहो मेहर भसुआ राजा भजवा समझा था है वो अमर का मन साधु है जब मेहरारू चलतन जात ब जान दे पाथर बनाई जात बा वो अमर समझा था है तेरी ऐसी तैसे कहा का तब से दूसर कनिया आऊ जब दूसर कनिया और मर तब तक खा जब बकरिया का सैया जाई दे अब चाहे कुआसा ही कहीं कीजिए मगर अब तो से घास सोस न मंगाऊ अब को कहो जीते ही न कर तो से तब तक राजा के चटकना लगा करे बाप रे बाप आज ही बकरी बकरा ताना मारा था कल सारी दुनिया हमें ताना मारी की बतावा मेहरारू के चलते राजा भजवा पाथर भई गए राजा भोज कहे रानी तू जाने चाहत हो नाम कहे बिना हसा हा कहे हाँ स्वामी कभी से तुम मन ही है हम सोचत जल्दी बताए दे काहे हसा है तू कहे चला राजा कह रहे कहा कि वापस किए घोड़ा राजा तब लाए भवन मझार बाबू राजा भेज अपने तरफ महल में ले गए रानी के ले गए जवन भाई चाबुक रहा घोड़ा वाला निकाल के लगल रानी के मारे जब मारे लगल रानी लगली तुम्हें नाचे कुल दे यकड़ी जाता सैया छोड़ दे जान नहीं थमा जान चला जाए काहे ना पूछा था तू बतावा थे हम काहे बिना हंसा हा आंख से आंसू तर 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 गिरे लगल रानी के बाबू दौड़ के राजा के पांव पकड़ के हाथ जोड़ कहे स्वामी आज के बाद ऐसी गलती ना करब कभो जीत ना करब चाहे तू हंस चाहे रोवा चाहे गावा चाहे जवन करा आज सम कभो न पूछब राजा को दया आ गई बाबू रानी के छोड़ दिलान आखिर यही से हमारे विरह के कहानी समाप्त भेल जय खार गुरुजन तू लोट लाल ताई दू श्री ना कथन करे कवि श्री नारायण श्याम